नाउ थर्ड सर्किट सर्किट कंटेनिंग कैपेस्टेंस ओनली ये ई एम एफ लगाया है सर्किट में कैपेस्टर लगा है कैपेस्टेंस लगा है सी तो सपोज अप्लाइड ई एम एफ इज ई विच इज ई जीरो साइन हुएगा टी लेट आई इज द इंस्टेंटेनियस करेंट देन टोटल ई एम एफ इन द सर्किट विल बी एक्रॉस सी वोल्टेज जो पैदा होगा ये होगा e माइनस क्यू बाई सी क्यू बाई सी अपोज करता है तो e माइनस क्यू बाई सी एज देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो टोटल तो वोल्टेज तो 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 जीरो होगा यानी e माइनस क्यू बाई सी जीरो या c बाई सी विच इज ई जीरो साइन ओमेगा टी c बाई सी जीरो साइन ओमेगा टी नाउ इंस्टेंटेनियस करेंट इन द सर्किट करेंट आई होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो डी क्यू बाई डी टी तो डी अपॉन डी टी आप क्यू यहां से क्यू देखें सी ई जीरो साइन ओमेगा टी तो डी बाई डी टी आप सी ई जीरो और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हुआ ये डिफ्रेंशिएशन हुआ ओमेगा काज ओमेगा टी तो ये हो गया सी ई e जीरो ओमेगा काज ओमेगा टी इसको हमने यू लिखा आई जू कल ट्यू ई e जीरो वन अपान ओमेगा सी इसी को मैनेज किया है ई e जीरो अपान वन अपान ओमेगा सी साइन काज ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ए टिक्नोमेट्री है सिंपल टिकनोमेट्री काज ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू तो करंट आई आ गई आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू जहाँ पर आई ज़ीरो है ई जीरो अपान वन अपान ओमेगा सी आई जीरो है मैक्सिम वैल्यू आप दी करेंट और इस ये है ई जीरो पन पॉन ओमेगा सी अब आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखें मैंने ई एम एफ लगाया ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी जो करेंट बह रही है वो है आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू साइन ओमेगा टी यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू जबकि इंडक्टेंस में था माइनस फाइव बाई टू यहां पर हो गया प्लस फाइव बाई टू इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं वन इन टू एम्प्लाई करेंट लीड्स द ई एम एफ ई बाई पाई बाई टू और नाइन्टी डिग्री यानी जो करेंट बह रही है वो नाइन्टी डिग्री आगे आगे बढ़ रही है वोल्टेज से जो ई एम एफ लगाया या वोल्टेज लगाया उससे नब्बे डिग्री आगे आगे दौड़ती है ये खास करेक्टर होता है इस सर्किट का यानी जब ए सी लगा है कैपेसिटेंस में अगर मैं ग्रेफिकली देखूँ इधर ई एम एफ इधर करेंट लूँ ये अप्लाइड ई एम एफ है ये देखिए अल्टरनेटिंग नेचर का होता है जीरो पाई टू पाई एटसेट्रा तो जो करंट बहती है अभी मैंने कहा करंट नब्बे डिग्री आगे आगे चलती है इसका मतलब हुआ जब ई एम एफ जीरो है तो करंट नब्बे डिग्री आगे यानी ये देखिए यहाँ पर है। जब ई एम एफ है नब्बे डिग्री आगे बढ़ गया ई एम एफ है मैक्सिमम तो करंट क्या हो गई ये देखिए ग्राफ है जीरो जब ई एम एफ हो गया जीरो तो करंट क्या है इस तरफ मैक्सिमम अगेन जब ई एम एफ हो गया मैक्सिमम तो करंट हो गई जीरो तो ये नेचर है ई e और आई का सी सर्किट में अब इसी को अगर हम इसका फेसर खींचे हैं फेसर डायग्राम तो अगर टी टाइम के बाद जो ई एम एफ है वो इधर है यानी ई जीरो तो आपको मालूम है कि इसमें नब्बे डिग्री आ गई है तो करेंट हमने नाइन्टी डिग्री बनाया करेंट नब्बे डिग्री हमेशा आगे आगे रहेगी इधर इज जीरो जीरो कहलाता है फेसर डायग्राम। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी वेयर एक्ससी इज वन अपॉन ओमेगा सी विच इज वन अपॉन टू पाई एफ सी अगर एक्सी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखें ग्राफ खींचे इधर है फ्रीक्वेंसी, इधर है एक्सी तो जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये कम होता है यानी ये कर्ब इस तरह का आता है जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये कम होता जाता है